हेलो एवरीबॉडी, मैं मुशाफ इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अकाउंट पेएबल रिसीविंग समरी जो होती है अमाउंट की, वो किस तरह हम रिपोर्ट बना सकते हैं आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, इनवाइस नंबर, इनवाइस अमाउंट, उनकी ड्यू डेट और डेट पेड, यानी जिन्होंने पे किया वो होगा तो यहाँ पेड, और जिनकी डिले होगी डेट, यानी डेट आगे हो गई है, टूडे से 4 जुलाई थी और 4 जुलाई से डेट आगे निकल गई है ड्यू डेट, तो यहाँ पर डीले। और इसके अलावा जो ब्लैंक हैं और अभी ड्यू डेट बाकी है उनकी, तो यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है। तीन कंडीशंस हैं यहाँ, फार्मूला हमें लगाना है और इस तरह से क्राइटेरिया होगा, जिनकी डेट पे हो गई तो पैड, और जिनकी डेट निकल चुकी है यानी टुडे से ड्यू डेट ज़्यादा हो गई डीले, और जिनकी एंट्री नहीं है ब्लैंक है और डेट बाकी है तो पे नाउ। उसके बाद तीन ऑप्शन ही हमने यहाँ पे समरी रिपोर्ट के लिए रखे हैं, पैड, पे नाउ और डिले। तो टोटल पैड कितने हो चुके हैं, पे नाउ कितना है और डिले कितना है, तो इन सभी को आज की इस क्लास में मैं कैलकुलेट करने का बताऊंगा आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला आएगा, फर्स्ट स्टेटस में आएगा इक्वल इफ कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट ओपन, डेट पैड जो यहाँ पर है हमने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, सेकेंड इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन ड्यू डेट लेस देन टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पे नाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, दूसरी फॉल्स कंडीशन में हमने कहा नहीं तो डीले लिखा हुआ प्रिंट करें, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पैड, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, फर्स्ट सेल के कॉर्नर पर आ जाएंगे, एंटर के बाद इसी के ड्रैग मोड कर्सर और नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। देखें डीले कहाँ शो हो रहा है, जहाँ पे करंट डेट से ज़्यादा है, टुडे डेट जो होता है, टुडे फार्मूला करंट डेट के लिए होता है, यहाँ हम टुडे लिख लेते हैं इक्वल टुडे डेट देखने के लिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 7/31/2019, तो यहाँ पर जो है ये 5 अगस्त है, यानी डेट अगर की निकल चुकी है आज से ज़्यादा तो जो होगी वो पे इन्हें करना है, और जहाँ पर इनकी रिसीव हो चुकी है अमाउंट अगर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो पे पैड लिखा हुआ आ जाएगा, और बाकी जिनका नहीं है अभी तो वहाँ पे ना हो, ये यानी अभी करेंगे पे हमें। तो इस तरह से अब जैसे इनकी हम एंट्री कर लेते हैं 30 जुलाई, तो ये फॉर्मूला इस तरह से लग गया। अब टोटल के लिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज के अंदर आएंगे ऑल अमाउंट कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा के बाद ये सेल क्राइटेरिया हो गया, फिर कॉमा सम रेंज, अच्छा सॉरी, पहले रेंज के अंदर जो है वो हम स्टेटस सिलेक्ट करेंगे ऑल, उसके बाद क्राइटेरिया आ जाएगा, क्राइटेरिया में जो ये सेल पे हमने लिखी हुई वैल्यू पेड ये आ जाएगी, फिर कॉमा सम रेंज में ऑल अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरह से देखें ये फॉर्मूला, पे अमाउंट जो होगा वो हमारा टोटल पता चल गया हमें क्या है, और इसके अलावा सम इफ अगेन इसी के अंदर आ जाएंगे पे नाउ ऑल, उसी तरह से आ जाएगा क्राइटेरिया के अंदर पे नाउ फिर कॉमा ऑल कॉलम इनवाइस अमाउंट का एंटर, उसके बाद अगेन सम इफ रेंज के अंदर ऑल कॉमा क्राइटेरिया के अंदर सेल कॉमा सम रेंज के अंदर इनवाइस का जो अमाउंट आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर, डायरेक्ट टोटल करते हैं अल्टर इक्वल सम, और इनको चेक करते हैं टोटल करके तो इक्वल सेम अमाउंट होना चाहिए, प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंटर, तो बिल्कुल सही है। कॉमा स्टाइल क्लिक करेंगे, यहाँ से रुपीस फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा अमाउंट हमारा। अब इसी तरह चेक अमाउंट जो हमने किया है, अगर इधर कोई एंट्री हम करते हैं तो वो अमाउंट हमारा कम होगा और वो पेड में आ जाएगा अमाउंट, और उसके अलावा ये अमाउंट हमारा वही रहेगा,
और यहाँ से पे ना होगा अमाउंट कम हो जाएगा। देखें अब जैसे 4 जुलाई थी मिसाल के तौर पे, इनकी 31 जुलाई को पे क्लियर हो रही है। एंटर, अब पे ना होगा कम होगा, पैट का अमाउंट यहाँ पर देखें मैं एंटर करूँगा ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। पे नाउ जो था वो ज़ीरो हो गया, डिले जो है वो अमाउंट रहता है और बाकी इतने रिसीव हो गए और डिले जो अमाउंट है वो रह गया, बाकी टोटल हमारा वही आ रहा है फिगर। तो इस लॉजिकल कंडीशन से हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है और एक समरी रिपोर्ट बनाई है, अमाउंट अकाउंट पेबल समरी कह सकते हैं स्टेटस। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, प्रैक्टिस करें, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फॉर्मेट डेट में अगर कहीं मसला है तो फॉर्मेट प्रिंटर से सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, प्रैक्टिस करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।